तो स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे चैनल पे। तो आप मैंने बहुत देर से पोस्ट डाली हुई थी कुछ दिन पहले कि मैंने देखा हूँ वुल्वरीन का रिव्यू करूँगा, तो ये मैंने अनबॉक्सिंग कर दी है। मेरे चैनल पे इसका वीडियो है जो ऑलरेडी प्ले हो रहा है, तो मैंने कहा कि इसको अगर जो लोगों ने देखा नहीं तो दो लोग देख लें। जैसा कि देख सकते हैं इधर मार्वल और इधर राज कॉमिक्स। तो राज कॉमिक्स के जो संजय गुप्ता हैं इनकी है ये पुनरुत्थान, ये वाला स्पेशल कवर है और ये लोगों ने यूवी स्पॉट कर रखा है। तो आपको एक बात तो बताना पड़ेगा कि इसमें जो है अगर आप इसकी मोटाई देखें तो इसकी मोटाई 96 पेजेस की है और ये 144 पेजेस की है। आपका इसका देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस। तो अगर इसके पेज जो होते हैं ना राज कॉमिक्स के जो पेज हैं बहुत ही मोटे मोटे हैं इसके कंपैरिजन में। और आर्ट का क्या बोलूँ, इसमें आर्ट का मेरा लेकर मिक्स रिएक्शन है क्योंकि इसमें इंकिंग तो विनोद कुमार जी ने की है जो कि काफ़ी हद तक इंकिंग को संभाल लिया है, लेकिन जो दिलदीप सिंह का जो चित्रांकन है मेरे को बिल्कुल जमा नहीं है इसमें। तो काइंड ऑफ ओके ओके है। और बात करें वुल्वरीन ज़्यादा वुल्वरीन की मार्वल की, तो उसमें सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट इंप्रेशन दिखाता हूँ। तो मैं पहली बात है इस कवर इसका बहुत धांसू है यार, सही सीरियसली बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कवर है। और उसके बाद जब ये खोलते हैं इसमें तो ये दिखाता है, ये भी इतनी अच्छी बाइंडिंग है इसकी, आई एम श्योर कि 10 साल तक आराम से चल जाएगी और का क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये मुझे पड़ी थी 1407 रुपये की और 500 की पड़ी थी। इसका भी मैं कलेक्टर एडिशन लेने वाला था लेकिन जिस तरह की स्टोरी थी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, बहुत ही बोरिंग टाइप की स्टोरी थी। और मेरे स्वामी नहीं यार पता नहीं ये लोग कौन सा माल फूक की स्टोरी लिखते हैं यार, इतना घटिया घटिया स्टोरी मुझे पूरी बर्दाश्त करनी पड़ी। और उसका कसम खाली हुई शंखनाद जो इसका अगला भाग है वो तो नहीं लूँगा मैं, और अगर वक्त निकला तो भाई इसको भी कहीं टिका दूंगा, बेच दूंगा किसी को। तो अब आ जाते हैं इसकी तरफ। यहाँ पर रेड पेजेस हैं, नॉर्मली राज कॉमिक्स से कलेक्टेड एडिशन में येलो होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा दिखाया गया है ब्लड और ये जो इन लोग का ये क्रेडिट्स, राइटर, पेंसिलर, इंकर, ये फ्रंट कवर का आर्ट है द एंड। थोड़ा कन्फ्यूजिंग था शुरुआत में द एंड लिख दिया। इसका आर्टवर्क तो बहुत ही अच्छा है यार, सीरियसली बहुत मज़ा आता है यार इसका आर्टवर्क देखने में। और मैं आपको थोड़ा सा कहानी का देता हूँ। तो ये ब्रिटिश कोलंबिया में वुल्वरीन है और जैसा कि आप इसकी हालत देख के समझ सकते हैं इसने अभी भी किसी से लड़ाई की है, मार धाड़ किया है। तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो हीलिंग फैक्टर जो होता है जो वुल्वरीन की मेन पावर्स में से एक है जिससे उसका शरीर अपने आप ही सही कर लेता है अगर गोली वगैरह कुछ लगे तो वो हीलिंग फैक्टर इसका खो जाता है। और जो वुल्वरीन के पक्के वाले फैंस होंगे उनको मालूम होगा कि वुल्वरीन जब भी अपने क्लॉज निकालता है तो उसे हमेशा दर्द होता है, और क्लॉज जब वापस आते हैं तब उसका हीलिंग फैक्टर वापस उस जगह को सही कर देता है यानी नकल्स को। तो उसमें यह दिखाया गया है देता हूँ वुल्वरीन में और पूरी तरीके से कहानी सेटअप की गई है। और ये है रेड रिचर्ड्स। तो आप जो लोग फैंटास्टिक फोर वाली मूवी नहीं देखे हैं तो उनको बता दो ये रेड रिचर्ड्स मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी आया है। तो उसको कहा जाता है द स्मार्टेस्ट मैन इन लाइफ, अभी तो फिलहाल उसका मीम चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो रेड रिचर्ड्स जो हैं वो वुल्वरीन का स्कैन करते हैं, उनको बताते हैं कि तुम्हारी जो हीलिंग फैक्टर है वो खो चुकी है और मैं पूरी कोशिश करूँगा इस तुम्हारे हीलिंग फैक्टर को वापस लाने की। लेकिन तब तक उन्होंने वुल्वरीन को एक वार्निंग दी रहती है कि कभी भी अपने क्लॉज मत निकालना क्योंकि जब क्लॉज वापस जाएंगे तो उसे बाहरी बैक्टीरिया रहेंगे जो तुम्हारे शरीर को डैमेज कर सकते हैं क्योंकि अब तुम्हारे पास वो हीलिंग फैक्टर रहा ही नहीं जिससे तुम्हारा शरीर आराम से झेल सके और रिजनरेट कर सके टिश्यूज को। तो वुल्वरीन खैर आप जानते हैं भैया, वुल्वरीन के जो फैन होंगे वो जानते होंगे वुल्वरीन किसी की नहीं सुनता, बस अपने मन की करता है और अकेला ही काम करता है। तो वो रिचर्ड भी जानते थे कि ये मानेगा नहीं लेकिन फिर दे दी थी वुल्वरीन को। और उससे कुछ दिन बाद ये देख सकते हैं डू नॉट यूज अ क्लॉज, तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। मतलब अगर क्लॉज के बिना किसी से लड़े मार खाए तो उसका चोट भी सही नहीं होगा, बिना क्लॉज निकाले वो मरेगा भी नहीं तो उसके सामने का दुश्मन। यहाँ पे वुल्वरीन एक क्लब में जाता है तो उसका एक विलेन रहता है कहता हूँ ये था। तो ये लोग वुल्वरीन ढूंढते हुए आते हैं क्योंकि वुल्वरीन के जो सर है उसे बहुत बड़ा बाउंटी यानी इनाम रखा गया रहता है। तो उसने बार्ट ऑनर ने दिखाया था इन लोगों को रास्ता कि वुल्वरीन इस आइलैंड पे है, और वुल्वरीन बड़ी चलाकी से बाकी लोगों को मार देता है। और यहाँ पे हमारे सामने आता है लोगन वुल्वरीन और बैड एस लुक में आता है यार एकदम। इसके बात करें इसकी पेजेस क्वालिटी की तो बहुत ही अच्छे हैं, हालांकि इसकी पेजेस बहुत पतले हैं
बहुत ही पतले पेजेस हैं और इसके पेजेस बहुत मोटे हैं, तो इस वजह से लगता है कि यार ये ज़्यादा है, ज़्यादा पेजेस हैं इसमें। ये चालाक वाली स्ट्रेटजी है कि अगर जैसे मान लो अगर किसी दुकान पे रखी रहे, तो अगर कोई बंदा जो या कॉमिक्स के बारे में हम मेरे जितना रिसर्च ना करता हो, तो उसको ये लगेगा भाई साहब ये बहुत ज़्यादा पेजेस हैं इसमें, और इसमें कम पेजेस हैं, और ये 1407 रुपये की है और ये 500 की है, तो इससे बढ़िया यही ले लो, क्योंकि पेजेस थोड़े कम है लेकिन 500 तीन गुना कम दाम लग रहा है लगभग। तो ये इनकी स्ट्रेटजी है संजय गुप्ता की, और इसके साथ एक स्टैंडिंग मिला था, खैर इसकी बात थोड़ी बात करेंगे। और यहाँ पे वुल्वरीन लड़ता है उससे बहुत बुरी तरीके से, यहाँ वुल्वरीन का भाई सेवर तो उससे सामना होता है, तो इसमें तो आयरन मैन का भी थोड़ा सा डिफरेंस लिया गया है और ये यहाँ पे दिखाया गया है। अच्छा इन लोग कहानी बड़ी मस्त रहती है यार, इन लोग की काफ़ी अच्छी तरीके से लिखते हैं। और यहाँ वुल्वरीन और ये आर्मर पहन लेता है ताकि ज़्यादा चोट ना लगे, ये बेसिकली वो इसके हीलिंग फैक्टर जा चुका है। यहाँ का कवर है इसका, यहाँ पे वुल्वरीन का यूज़ करके डॉक्टर बनाना चाहता है और ढेर सारे एक्समैन प्रोजेक्ट्स में म्यूटेंट्स, लेकिन वुल्वरीन को काट अपना हाथ काट के दिखाता है कि उसके हीलिंग फैक्टर अब नहीं रहा, और जो उसने क्लॉज ये बांध रखे हैं उस तक उसे अपने असली क्लॉज में निकाल लेते हैं, और देख सकते हैं कि वुल्वरीन का हीलिंग फैक्टर सही नहीं हो रहा है, उसको सही नहीं कर रहा है, तो ये इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता। और इसके बाद दोनों में लड़ाई होती है, बहुत ही खूनी जंग होती है, और ढेर सारा पिघला हुआ एडमेंटियम अगर नहीं जानते तो बता देता हूँ कि एडमेंटियम को अटूट लोहा बोला जाता है, और मेरे ख्याल से मेरी थ्योरी ये है कि एडमेंटियम को काटा जा सकता है लेकिन सिर्फ एक हॉट एडमेंटियम से, मतलब अगर वुल्वरीन अगर आप किसी एडमेंटियम स्लैग को काटना हो वुल्वरीन को, तो उसे अपने क्लॉज गर्म कर, हीटेड क्लॉज जिसको बोलते हैं, वो गर्म करने पड़ेंगे फिर वो काट सकता है। और क्योंकि इसका नाम अटूट लोहा है तो भाई साहब इसका वजन बहुत ज़्यादा होता है, अगर आपने एक्समैन ओरिजिनल वाली मूवी नहीं देखी तो उसमें देख लूँगा, उसमें देख लीजिए एक बार, उसमें पूरा दिया गया। तो ये ढेर सारा पिघला हुआ एडमेंटियम इसके ऊपर गिर जाता है लेकिन फिर भी नहीं रुकता और उसे मार डालता है। और यहाँ पे वुल्वरीन अपनी सारी यादों को याद करता है, अपनी सारी मेमोरीज को रिवाइव करता है, और यहाँ पे बैठ के कुछ सोचता है और डूबते हुए सूरज को देखता है, और आखिर में वुल्वरीन की डेथ हो जाती है। और द एंड बहुत ही इमोशनल कहानी है, मेरे को बहुत पसंद आई थी इसलिए मैंने ऑर्डर कर ली थी, और उस टाइम 1407 की मिले थी, इस टाइम आई थिंक 1600 है क्या शायद, मेरे को बहुत पसंद आई यार ये कहानी, तो इसलिए। और यहाँ पे पूरी बुक नहीं ख़त्म होती, यहाँ पे ढेर सारे अल्टरनेटिव वेरिएंट दिखाए जाते हैं, जैसे ये देख लो ढेर सारे कवर्स हैं, हल्की कॉमिक्स है, यार इन लोग की क्वालिटी दिखती है भाई, ये लोग जो कहानियाँ लिखते हैं बहुत ही अच्छी लिखे हैं। इसके बाद भी एक और चीज़ है, सीरीज़ पूरी कंटिन्यू हुई है जिसमें हंट फॉर वुल्वरीन और वुल्वरीन रिटर्न्स की ढेर सारे कॉमिक्स है, मैंने उसको सर्च करने का ट्राई किया लेकिन अधिकतर कॉमिक्स इंडिया में अवेलेबल है नहीं। और मार्वल की जो लेटेस्ट आई है इसमें जो सारी कॉमिक्स अनाउंस हुए हैं, और डीसी की जो ढेर सारी कॉमिक्स अनाउंस हुई वो यहाँ पे आती ही नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन अब क्या बताएं। मेरा बहुत मन था फ्लैश पॉइंट बियॉन्ड को लेने का, क्योंकि उसका बताया गया था स्टोरी बहुत अच्छी है उसकी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे ये है पेंसिलर, पेंसिलिंग करके दी गई है आर्ट, देख लो ये रहा वुल्वरीन अपना। और ये रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द क्रिएटर्स, यहाँ पे कॉमिक्स खत्म हो जाती है। और ये नाखून अनोखी चीज़ दे सकते हैं, यहाँ पे फ्री डिजिटल कॉपी भी मिल जाएगी आपको, और इस वजह से काफ़ी अच्छी लगती है छूने में और फील करने में, बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो इसमें अच्छा लगता है यार कि पैसा भले ही ज़्यादा लगा है, मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा लगा है, लेकिन ये है कि सही चीज़ मिल गई है। और अब ये नहीं कहूँगा भाई सारी चीज़ ही अच्छी है इसकी, कोई इसमें कोई बुराई ही नहीं है, तो इसका जो एक कलेक्शन था डेथ ऑफ वुल्वरीन और हंट फॉर वुल्वरीन, वुल्वरीन रिटर्न्स, उसमें ढेर सारा वॉल्यूम बना के दिया गया था इसको, तो मैं सोच रहा था इसको लेने के, लेकिन तभी आउट ऑफ स्टॉक हो गए, हाँ तो दरवाजे कोई आ गए थे इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो ये माधुरीपुर, ये फिक्शनरी आइलैंड है, मार्वल्स में कई बार दिखा चुके हैं यार, इन लोग का इफेक्ट देख के लगता है कि इतनी अच्छी कलरिंग की है ये लोग,
आर्ट वर्क कुछ ज़्यादा खास नहीं है, मैं तो कहूँगा यार अनुपम सिन्हा और विनोद जी का जो आर्ट वर्क मिला मिल के बनता है ना, उसके सामने तो ये कुछ नहीं है। लेकिन इसका जो कलरिंग मेरे को बड़ी पसंद आई इसमें, तो आई विश कि राज कॉमिक्स भी ऐसे ही इम्प्लीमेंट करे कलरिंग। ये अपना वुल्वरीन और इससे आयरन मैन के एक हेलमेट का सौदा करने आता है, तो काफ़ी अच्छा लगा। इन लोगों ने सोचा कि ये आयरन मैन का हेलमेट फेक है, लेकिन जब लगाता है तो उसमें सब पता चल जाता है। तो ये वाइपर को कॉन्ट्रैक्ट मिला रहता है वुल्वरीन के मारने के लिए, इसलिए ढेर सारे लोग कोशिश करते हैं वुल्वरीन को मारने की, इवन सेवरटूथ भी, लेकिन सफल नहीं हो पाता। तो ये है इसका रिव्यू। और इसका अगर कंपैरिजन करें मतलब मार्वल कॉमिक्स वर्सेस राज कॉमिक्स, तो पहली बात तो ये कि भाई मैं राज कॉमिक्स का सबसे टॉप वो ले रहा हूँ महंगा वाला, जो संजय गुप्ता जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये संजय गुप्ता जी कॉमिक्स है और इसमें की बाइंडिंग निकल रही है। अगर आपने मेरा पुनरुत्थान वाला वीडियो या पोस्ट नहीं दिखा होगा तो उसमें पता चलता है इसकी बाइंडिंग निकल रही है, जैसे मैं आपको याद डिसअपॉइंट हो गया था। और ये लोग पता नहीं किस तरीके का पैसा चार्ज कर रहे हैं कि ये एक कायदे की बाइंडिंग नहीं दे पा रहे हैं यार ये लोग। और उसके बाद बात करें स्टोरी की, तो बहुत ही बकवास स्टोरी, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स मेरे ख्याल से नए आ गए हैं, मैंने काफ़ी टाइम से ये सब को जाना नहीं। जैसे ये तो मेरे को हल्का कॉपी लगता है, और हल्क बना तो 1962 में, ये पता नहीं कब बना था, मैंने सोचा भी नहीं। और ये देखो ये सारे, ये तो ब्लैक बोल्ट की तरह लग रहा है, और ये डीसी के कैरेक्टर उसी तरह लग रहा है, ये चीता के तरह लग रही है डीसी कैरेक्टर। तो इसमें नए नए सुपर को शामिल किया गया है, और इसमें एटीट्यूड दिखाया गया है भैया सुपर इंडियन का एकदम अलग। तो इन लोगों ने कटिंग भी अच्छे से नहीं की, कई जगह कट गया है, तो ये भी दिक्कत है उसमें। ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं, अब बाद में इन्होंने अपनी गलती सुधारने के लिए पूरा ब्लैक कर दिया बॉर्डर। मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, आर्ट वर्क बस ठीक ही ठाक है, लेकिन मुझे मौका मिलेगा अगर इसको कहीं बेचने का तो भाई मैं बेच दूंगा इसको, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। कुछ भी नयापन नहीं है इसमें, वही पुराना सेम बकवास चीज़ दिखाया गया है। बस इस बार थोड़ा सा इसमें दैवी जो का मेल कर दिया गया है, दैवी, ये लोग मेरी भी हिंदी एकदम शुद्ध कर दिए हैं, पता नहीं इन लोग को नॉर्मल हिंदी लिखने में क्या प्रॉब्लम आती है। आर्ट वर्क सही बता रहा हूँ कुछ खास नहीं है, बस ठीक ही ठाक है, और स्टोरी महा बकवास है यार। मार्वल और डीसी की स्टोरीज पढ़ने के बाद अगर इस तरह की स्टोरीज पढ़ने को मिले तो यार मैं क्या कर सकता हूँ। दर्शक तो यही चाहेगा ना भाई कि इसको कबाड़ में फेंको, इन लोगों को स्टोरी लिखने का तरीका नहीं आता है, कुछ अच्छा नहीं लिख सकते। और मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने इसकी जो एक्सप्लेनेशन सुनी थी, तो शुरुआत के दो पेज का एक्सप्लेनेशन सुना मेरी तो लग गई, मैं कहा कुछ भी हो इस कॉमिक्स को तो मैं खरीद के रहूँगा, क्योंकि इतनी बढ़िया स्टोरी है इसकी। अगर आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन नहीं सुना तो एक बार एक्सप्लेनेशन जाके सुन लीजिए। और यहाँ पे मैं ज़बरदस्ती पढ़ा मैंने इसको पूरा, ताकि मेरा 500 रुपये कुछ तो काम है, और मेरे को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई इसमें। बस एक चीज़ एक्स्ट्रा है जो वो ये है कि इसके अंदर एक स्टैंड ही मिला था, तो मेरे को तो बिल्कुल खास नहीं लगा। मैं कह रहा स्टैंड की जगह इसका प्राइस कम कर देते, आई मीन 500 की बेच रहे हैं तो कम से कम 450 रुपीज़ रख देते तो और ज़्यादा सही लगता इसको। अब बहुत ही क्या बताएं, बिलो एवरेज है पूरी कॉमिक्स। वो तो अच्छा हो विनोद जी इंकर हैं, हाँ देख सकते हो, नहीं तो पूरी कॉमिक्स और बर्बाद हो गई होती। कुछ भी नया नहीं है इन लोग के पास, वही घिसी पिटी चीज़ें रगड़ते जा रहे हैं यार। और यही हाल रहा तो मुझे लग रहा है आने वाले कुछ दिनों में राज कॉमिक्स कोई भी नहीं खरीदेगा। अभी तो फैन के बस चल रही है पूरी राज कॉमिक्स, इसलिए पैसा जुटा रहे हैं ये लोग, पैसा मार रहे हैं ये भैया। जैसे ही इस तरह की कॉमिक्स और आना शुरू हो जाएंगे, मार्वल की मूवीज़ का जो फेज 4, 5 है और 6 है अभी भी अनाउंस हुआ है उसको देख कर, और डीसी का जो अभी एनिमेटेड मूवीज़ जो अनाउंस हुई है डीसी की, इसका मैंने पोस्ट भी डाला था, उसके बाद कई ढेर सारी मूवीज़ हैं डीसी की भी और एनिमेटेड शोज और कॉमिक्स की लाइन लगी पड़ी है। और यार उसको देखते हुए अगर मैं इसका कंटेंट देखूं तो यार मुझे लगता है कि बहुत ही बेकार कंटेंट है। और यही हाल रहा ना तो फिर इन लोग की बर्बादी कोई नहीं रोक सकता। ज़्यादा शाड़ापंदी करने के लिए इन्होंने पेजेस मोटे कर दिए हैं, ताकि जो लिए हाथ में कॉमिक्स को उसको लगे हाँ भाई ज़्यादा पेजेस हैं, मोर देन 100 पेजेस हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। इसकी पेजेस ज़्यादा हैं वुल्वरीन वाली कॉमिक्स के, लेकिन इसमें इन्होंने पता नहीं क्या थी पीटी रख दी है। ये कॉमिक्स पढ़ने के बाद मुझे पूरा पता चल गया था भाई कि ये शंखनाद भी ऐसा ही कुछ
बकचोदी वाली कॉमिक्स होगी, और विनाश काली विपरीत बुद्धि आपने कहावत सुनी होगी, पूरा इस पर अप्लाई होती है राज कामेश्वरों पर। और भाई मैं तो हार मान गया, मैं कहा शंखनाद तो किसी भी कीमत पे नहीं कर दूंगा, आगे से इसकी कोई सीरीज़ नहीं कर दूंगा, क्योंकि बहुत बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ मैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को क्या कर रहे हैं। चलो स्टोरीज़ ख़राब लिख रहे हैं, एक बार को अगर मान भी लिया जाए तो बाइंडिंग क्यों ख़राब निकल रही है भाई, इसकी निकलने लगी है बाइंडिंग। अगर आपने मेरा प्रीव्यू देखा हो तो उसमें मैंने बोला था कि इसको अब ज़्यादा नहीं निकालूंगा, लेकिन आज मुझे निकालना पड़ा क्योंकि इसका कंपेरिजन करना था। और इन लोगों पैसा चार्ज करने में कोई कमी नहीं छोड़ते ये लोग, और यू बी और स्पॉट लगा के देते हैं कि भाई अगर तुम कहानी अच्छी लिख दोगे तो यार इस सबकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और सस्ते दाम में उपलब्ध करवा सको, क्या ज़रूरत है हर बार इतनी घटिया आर्टवर्क और इतना घटिया स्टोरी लिखने की। यार फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इसीलिए लोग मार्वल डीसी की तरफ चले जा रहे हैं। और मुझे तो शक नहीं भाई, जब बाकी जो नई कॉमिक्स कंपनी है होली का हो पता नहीं क्या क्या, वो सब इसको आराम से ओवरटेक कर लेंगे। मैंने बस ट्राई करने के लिए मंगाया था कि कैसा है, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मैंने बहुत सारा बकचोदी वाला कॉन्टेस्ट है इसमें, दैट्स इट। सो देख लिया भाई आज आपने, और इसका जो रेट कर देता हूँ मैं इसका, तो उसका आर्टवर्क हालांकि मेरे ये नहीं कहूँगा कि राजकामी से अच्छा है, लेकिन मेरे को तो लगा कि हाँ सही है, ओके ओके है इसका आर्टवर्क भी। और ये पता नहीं किस तरह की, अगर किसी को कमेंट सेक्शन मालूम हो तो बता देना, इसकी कलरिंग बहुत अच्छी है और इसकी वजह से बहुत अच्छा लगता है इसको देखने में, आँखों को सुकून मिलता है। और तो इसको मैं देना चाहूँगा 8/10, और जो स्टोरी है वो 9.2/10। अच्छी स्टोरी है यार, इसमें इमोशनल तरीके से दिखाया गया। अगर आपने लोगन की लोगन मूवी देखी होगी 2017 में आई थी, उसमें भी बहुत ही बेहतरीन, वो अब तक की मेरी बेस्ट एक्समैन मूवी है। और मार्वल में सिर्फ एक्समैन ही ऐसा वो सीरीज़ है जिसको मैं हमेशा पसंद करता आया हूँ। अगर एक्समैन को छोड़ दें तो मेरे को मार्वल में बस स्पाइडरमैन ही पसंद है, उसके अलावा और ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है मेरे को बाकी सुपर हीरोज। मुझे सिर्फ एक्समैन सीरीज़ और स्पाइडरमैन में ही इंटरेस्ट है। बात करें भैया इनकी, तो पैसा छापनी मशीन बनाए हुए हैं। शिट निकल रहा है क्या यार। तो आज का वीडियो यहीं रैप अप करते हैं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरे व्यूज़ पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मुझे ज़्यादा सब्सक्राइबर मिले या 1000 तक पहुँच गया तो मेरे सारे मोनेटाइजेशन अगर अनलॉक हो गई, तो उसमें मैंने ढेर सारी मार्वल की कॉमिक्स खरीदनी, मार्वल डीसी की, और कुछ एक आप इसकी भी खरीद लेंगे। अभी सर्पयुग का जो है अभी प्री ऑर्डर आया, उसका मैंने ऑर्डर किया है, तो देखते हैं वो कैसा रहेगा। और बाकी सीरीज कोई नहीं कर दूंगा मैं आज से पुनरुत्थान के बाद। थैंक यू एंड बाय बाय।